सहारनपुर में विद्युत संघर्ष समिति ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस संदर्भ में विद्युत कर्मचारियों द्वारा विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि लाइन खराब होने पर अब ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि विद्युत कर्मचारी हड़ताल जारी रखेंगे। बता दें कि कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन को पहले ही मांगों की जानकारी दे दी गई थी। मांग पूरी ना होने पर हड़ताल का ऐलान किया गया है। हड़ताल में चीफ इंजीनियर से लेकर लाइनमैन तक सभी शामिल। नाम इंजीनियर रॉबिन शर्मा है, मैं संयुक्त संघर्ष समिति का जिला संयोजक हूँ सहारनपुर का। हमारा जो प्रदर्शन है वो विद्युत संघर्ष समिति पूरे बिजली विभाग का है। इस संघर्ष समिति के अंदर मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर से लेकर नीचे का लाइनमैन तक सारा है, पूरा बिजली विभाग आज प्रदर्शन कर रहा है। इसी वजह से 1 किलोमीटर लंबा यहाँ पर विशाल मशाल जुलूस निकला है। हम 18 अक्टूबर को हम लोगों ने लेटर दे दिया था और 18 अक्टूबर से हम लोग इनका सविनय निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे साथ हमारी न्यायोचित मांगों को सुनिए और इनका निराकरण कीजिए। परंतु प्रबंधन की नींद नहीं जागी, जिसकी वजह से हमें आज अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाना पड़ा। आज से हम लोग अपना काम, जिसे टूल डाउन कहा जाता है, वो कर चुके हैं। हम लोग अब आप देख रहे हैं यहाँ की लाइट जा चुकी है, इस मीटर की, इसका 33 kV फेल हो चुका है। तो उन जिस जहाँ के लाइट आएगी, जहाँ पर बिजली चली जाएगी, वहाँ को रिपेयर नहीं किया जाएगा। सभी साथी एकजुट होकर अपनी न्यायोचित मांगों की पूर्ति के लिए अब एक प्रतिबद्ध हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।